अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ बड़े की गोश्त की कटलेट की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ बीफ मीट और इसको अच्छे से बॉईल कर ली हूँ अदरक लहसुन और नमक डालकर। ये अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं इजीली टूट रहा है, अच्छे से गल गया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से रेशा करें या फिर ग्राइंडर जार में डालकर पीस ले। मैं इसका रेशा नहीं करूंगी, ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीसना है। तो इसको ग्राइंडर जार में डाल दिए है और अब इसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैं पीस ली हूँ, इस तरीके का पीसना है और आप देख सकते हैं इस तरीके से रेशा में आ गया है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं ग्राइंड कर ली है, बस 2-3 बार हल्के हाथ से इसको ग्राइंड कर लिए है। और अब इसको चलो बना लेते हैं। तो फ्राई पैन में मैं यहाँ पे तेल डाल दी हूँ 1 चम्मच, फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 प्याज को चॉप कर दी हूँ। प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर और बाकी सब चीज़ें ऐड कर लेंगे। और अब डाल देंगे गाजर। यहाँ पे मैं 1 गाजर को ग्रेट कर ली हूँ। ग्रेट कर लेने से मुंह में नहीं आता है और बच्चे आराम से खा लेते हैं, तो इसको भी ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे। अब इसके अंदर डाल देना है मैदा। मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाल दूँगी, इससे बाइंडिंग फॉर्म में आ जाता है कटलेट और इसका टेक्सचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। तो यहाँ पे मैदा डालने के बाद अब अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैदे को भून लिए है तो अब इसके अंदर दूध डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच है और कप से देखे तो आधा कप के करीब है। और इसको डालने के बाद अब इसको बाइंडिंग फॉर्म में आने तक इसको चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जब ये बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा तो गोश्त को डालेंगे। यहाँ पे बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है, अब गोश्त को डाल देंगे। और यहाँ पे गोश्त डालने के बाद अब इसके अंदर आलू भी डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 आलू को बॉईल कर ली थी और इसको ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ, मैश नहीं की हूँ, ग्रेट करने से बारीक हो जाता है ये। इसको डाल दी है और हरी मिर्ची डाल दी है 3 से 4 बारीक कट करके, और नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाली हूँ। और फिर इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। और सभी चीज़ें डालने के बाद अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए है तो अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, और धनिया के पत्ते डालकर मिक्स कर लिए है और ये ठंडा हो गया है। अब हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा पोषण लेंगे और कटलेट का शेप दे देंगे। पहले हाथों से इस तरीके से गोल करके इसको प्रेस करेंगे और फिर साइड से भी इसको शेप में दे देंगे इस तरीके से। आप कोई भी शेप भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इस तरीके का शेप दे रही हूँ। यहाँ पे कटलेट को इस तरीके का मैंने शेप दे दिया है, इसी तरीके से बाकी सब भी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं बाकी सब भी बनाकर तैयार कर ली हूँ और इतना बेसन बच गया है, इसको मैं बाद में बनाऊँगी, बस इतना ही मुझे ज़रूरत है तो इतना बना लेती हूँ अभी। और अब इसको कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे अंडा ली हूँ, 1 अंडा को फोड़ ली हूँ और इसके अंदर 2 चम्मच दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से क्या होता है कि जब फ्राई करते हैं तो झाग नहीं बनता है और कोटिंग करने के टाइम भी पतली कोटिंग होती है। और यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड को मैं सिंपली ग्राइंडर जार में डालकर पीस ली हूँ, उसका ब्रेड क्रम्स बन गया। और अब कटलेट को लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और फिर कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। यहाँ पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिए है और इसे अब रख लेंगे। बाकी सबको भी इसी तरीके से कोट कर लेंगे। यहाँ पर सभी को कोट कर लिए है और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि इसका ब्रेड क्रम्स बाहर ना निकले, ये अच्छे से सेट हो जाता है। और मैं इसको डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो उसके अंदर डाल दिए हैं और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको पलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है पहले से, तो ज़्यादा इसको और स्लो फ्लेम पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लिए है, अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और सभी को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हमारा कटलेट बनकर तैयार हो गया है।
आप चाहे इसे पाव के साथ खाएं, कटलेट पाव और रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। इसे सर्व करी हूँ हरी चटनी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रेसिपीज़ के साथ।